नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक धार्मिक बुलेटिन उपासना में। मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। भारत में हर व्यक्ति प्रत्येक महीने उत्सवों का आनंद लेता है। हमारा देश धर्म, भाषा और संस्कृति की विविधताओं से भरा देश है, इसीलिए यहां कई जगहों पर मेलों और त्योहारों का उत्सव रहता है। तो वहीं सभी धर्मों के सांस्कृतिक और पारंपरिक आयोजन होते रहते हैं, जिन्हें वो पूरी आस्था और श्रद्धा से मनाते हैं। उपासना में हम आपको ऐसे ही धर्मों से जुड़े पर्वों की खबरें दिखाते हैं, जिससे आप भी उनका आनंद उठा सकें और कर सकें प्रभु की उपासना। उपासना में इस बार हम आपको दिखाएंगे जैन समाज के प्रमुख दशलक्षण महापर्व से जुड़ी खास खबरें। साथ ही देखेंगे अहिंसा यात्रा के प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में हुआ जैन भगवती दीक्षा समारोह। भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांतिदूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में जैन भगवती दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 6 समणी और 7 मुमुक्षु को आचार्य श्री ने दीक्षा ग्रहण करवाई। ये पहला मौका था जब तेरापंथ के आचार्य श्री की ओर से भीलवाड़ा में एक साथ 13 दीक्षाएं प्रदान की गयी। वहीं कार्यक्रम के दौरान समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक श्राविकाओं ने धर्माराधना का लाभ लिया। पर्युषण पर्व के अवसर पर भीलवाड़ा के शांति भवन में जैन समाज के धार्मिक कार्यक्रम हुए। इस दौरान महासती मधुकमर और चिंतन श्री जी ने श्रावकों को प्रवचन दिए। उन्होंने क्षमा वीरस्य भूषणम को विस्तार से बताते हुए कहा कि क्षमा मांगना और क्षमा करना वीरों का काम है। इन प्रवचनों को भवन में उपस्थित सभी लोगों ने शांत मन से सुना। आपको बता दें कि पर्युषण पर्व को जैन समाज में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, इसीलिए इसे पर्वाधिराज भी कहते हैं। भादो के महीने में मनाए जाने वाले इस पर्व के दौरान धर्मावलंबी जैन धर्म के 5 सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रत का पालन करते हैं। महावीर कहते हैं, दिल मिलाओगे तो जिंदगी आराम से चलेगी। ज्योतिषी ने तो कहा, कुंडली मिलाओगे तो जिंदगी आराम से चलेगी, पर महावीर कहते हैं कि दिल मिलाओगे तो जिंदगी क्या होगी, आराम से चलेगी। और आज क्या करना है, दिल से दिल मिलाना है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। आज क्या है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। आज ना तो आपका 4G का कनेक्शन चाहिए, ना 3G का कनेक्शन चाहिए, ना 5G का कनेक्शन चाहिए, आपको किसका चाहिए? क्योंकि शांति हिल स्टेशन पर नहीं मिलती, शांति तो दिल स्टेशन पर मिलती है। जयपुर में धर्म आराधना के लिए दिगंबर जैन समाज के दशलक्षण पर्व की शुरुआत हुई। इस अवसर पर संघी जी पदमपुरा सहित जैन मंदिरों में महावीर प्रभु का विशेष अभिषेक किया गया। मंदिर के प्रमुख महंत के सानिध्य में पूरे विधि विधान से ही कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने प्रभु के दर्शन किए और प्रभु अभिषेक के नयनाभिराम दर्शन के साक्षी बने। डूंगरपुर जिले में दिगंबर जैन समाज के दशलक्षण पर्युषण पर्व का आगाज हुआ। इस पर्व का पहला दिन उत्तम क्षमा दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर श्यामला जी उंडा मंदिर और प्रगति जैन मंदिर में भक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे।
जहां भगवान महावीर का पंचामृत अभिषेक किया गया। भक्तों ने भी पारंपरिक परिधान धारण कर प्रभु का अभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही प्रभु की केसर पूजा की गई। इस दौरान मंदिरों में आध्यात्मिक शांति का वातावरण नजर आया। पूरे मंदिर परिसर को भी फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। धर्म आराधना के लिए पहचाने जाने वाले दिगंबर जैन धर्मावलंबियों का दशलक्षण महापर्व जयपुर में भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। इस दौरान जैन धर्मावलंबी हर रोज एक एक लक्षण की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जैन मंदिरों में मुनियों और आर्यिकाओं के विशेष प्रवचनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में वैशाली नगर स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में उत्तम संयम धर्म की पूजा अर्चना हुई। इस मौके पर नरेंद्र गोदा ने आरती और स्थापना की, जिसमें भगवान महावीर की प्रतिमा का विशेष पूजन और अभिषेक हुआ। पारंपरिक परिधानों में सेवायतों ने भगवान का अभिषेक किया। मंदिर में भक्ति संगीत के कार्यक्रम भी आयोजित हुए। महिलाओं ने पीले रंग के वस्त्र धारण कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और नाच गाकर पर्व मनाया। इस दौरान मंदिर को भी आकर्षक रंगोली से सजाया गया था। प्रतापगढ़ में श्वेतांबर जैन समाज के 8 दिवसीय पर्युषण पर्व का अंतिम दिन संवत्सरी के रूप में मनाया गया। अरनोद के जैन श्वेतांबर मंदिर में संवत्सरी का पर्व मनाया गया। इसके साथ ही दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व के पहले दिन प्रतिक्रमण कर भगवान का अभिषेक किया गया। पंचमेरु के कलशों की बोलियां लगाई गई और पांचों कलशों से पाडुशिला पर विराजित भगवान का पंचामृत अभिषेक कर जन्मोत्सव की आरती की गई। इस दौरान भक्ति में डूबे भक्त नाचते झूमते नजर आए। झालावाड़ के डग में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का समापन कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर पद्मप्रभु जैन मंदिर में क्षमायाचना पर्व मनाया गया। इस दौरान पूरे विधि विधान से प्रभु की पूजा अर्चना की गई और फलों नारियल का भोग लगाया गया। इसके बाद मंदिर से वरघोड़ा निकाला गया, जो पद्मप्रभु जैन उपाश्रय पहुंचा। इसके बाद वरघोड़ा धर्म सभा में परिवर्तित हुआ। इस दौरान भगवान की वेदी को श्राविकों ने उठाया, साथ ही भगवान का चावल की गवली बनाकर स्वागत किया। इस मौके पर स्वाध्याय बंधुओं को सम्मानित किया गया और सामूहिक रूप से क्षमापना की गई। छोटी काशी में ऋषि पंचमी का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में एक कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर महंतों ने गोविंद देव जी का विशेष पूजन किया, साथ ही सप्त ऋषियों का आह्वान कर उनकी पूजा की गई। इस दौरान कई लोगों ने पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण कर सप्त ऋषियों का पूजन किया और सप्त ऋषियों का धूप दीपक जलाकर आरती की, फल फूल और मिठाई अर्पित की। इसके बाद कथा सुनकर सप्त ऋषियों से क्षमा मांगी। पूजन के पश्चात मंदिर परिसर में कई वरिष्ठ महंतों के सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर प्रबंधन की ओर से महंतों को शॉल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया।
करौली के टोडा भीम में विश्वकर्मा मंदिर में महर्षि अंगीरा की धूमधाम से जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर में पूरे विधि विधान से अंगीरा ऋषि की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद महंत हरिमोहन दास जांगिर ने मंदिर में उपस्थित भक्तों को महर्षि अंगीरा की कथा सुनाई और उनके कार्यों और विचारों का व्याख्यान किया। केवल वही समय है, वही सार्थक है, अन्यथा जगत जंजाल में फंसा हुआ जीव भोग की रस्सी से बंधा पड़ा है। इसमें छुटकारा पाने के लिए सत्संग ही एक साधन है, परंतु सत्संग और परमार्थ करना। सवाई माधोपुर के वजीरपुर में आकोदिया पट्टी स्थित मनोरथ सिद्ध महानुमान मंदिर में ऋषि पंचमी के अवसर पर छप्पन भोग की झांकी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में महाकाल बाबा, गणेश जी महाराज और हनुमान जी की फूल बंगला और दीपमाला की झांकी सजाई गई। दीपकों से सजी झांकी पूरे परिसर को अलौकिक रोशनी से प्रकाशमान कर रही थी, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस कार्यक्रम में महाकाल बाबा, गणेश जी महाराज और हनुमान जी की फूल बंगला और दीपमाला की झांकी सजाई गई। दीपकों से सजी झांकी पूरे परिसर को अलौकिक रोशनी से प्रकाशमान कर रही थी, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अब आपको लिए चलते हैं बरसाने वाली राधा के जन्मोत्सव के भव्य नजारे की ओर, साथ ही देखेंगे कुछ और भक्ति रस में डूबी खबरें। चलिए देखते हैं भक्ति तरंग। भगवान श्री कृष्ण को प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव की देश में धूम रही, जिसका असली रूप बरसाना में देखने को मिला। ब्रिजभान दुलारी राधा रानी की जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम से बरसाना में मनाया गया। ब्रिज नंदिनी राधा रानी जी ने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अनुराधा नक्षत्र और मूल नक्षत्र में जन्म लिया था। बरसाना स्थित प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर में सुबह 4:30 बजे से ब्रिजभान दुलारी का प्राकट्य हुआ। जन्म के साथ ही राधा रानी के श्री विग्रह को चांदी की चौकी पर विराजमान किया गया। श्री जी धाम के सेवायतों ने दूध, शहद, बूरा, इत्र, गुलाब जल, पंचमेवा, पंचरत्न, केसर से श्री जी की विग्रह के अभिषेक किए। राधे 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 गाले मन, दूर नहीं है वृंदावन। राधा रानी की मूल शांति के लिए सेवायतों ने 27 कुओं के जल, 27 पेड़ों की पत्ती, 27 तरह की औषधि, 27 मेवे, 27 ब्राह्मण, सोने चांदी की मूल मूलनी और कांस्य के बने तेल के छाया पात्र के साथ हवन किया। राधा रानी के जन्मोत्सव के इस अलौकिक नजारे के लाखों भक्त साक्षी बने। वृंदावन में जो कोई आता, वृंदावन में जो कोई आता, राधा वल्लभ दर्शन पाता। हर कोई प्यारी राधा रानी की बस एक झलक पाने को आतुर दिखाई दिया। श्रद्धालु राधा रानी के जन्मोत्सव की खुशी में भजन गाते रहे।
भक्त राधा जी की भक्ति में इस कदर मगन रहे कि उनके जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए लाखों लोग मंदिर परिसर पहुंचे। यहां तक कि मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं बची। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर श्रद्धालु बधाई गायन करने लगे और नाच गाकर एक दूसरे को बधाई दी। इसके बाद मंगला आरती के दर्शन हुए। आरती के बाद घंटे और घड़ियाल बजने लगे। इस दौरान मंदिर में फूल बंगला और छप्पन भोग के दर्शनों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पूरे बरसाना में खासकर श्रीजी महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनियों से मंदिर सहित समूचा कस्बा जगमग हो उठा। जाए मन का उपवन, दूर नहीं है वृंदावन। जगह जगह पर हो रही भजन संध्याओं ने ऐसा समा बांधा कि भजनों की धुन पर श्रद्धालुओं के कदम खुद ब खुद थिरकने लगे। जन्मोत्सव में शामिल होने पूरे देश के कोने कोने से लोग आए। यही नहीं, विदेशों से आए लोगों ने भी जमकर इस महोत्सव का आनंद उठाया। इस दौरान भक्ति में चूर भक्तों ने लड्डू गोपाल को गोद में उठाकर जमकर नृत्य किया। जन्मोत्सव में नामी गिरामी कलाकारों ने बरसाना में प्रस्तुति दी। कलाकारों ने गोपियों और ग्वालों का वेश धारण कर श्री राधा के जन्मोत्सव की खुशी मनाई। राधे राधे मन से गाले। जयपुर के मानसरोवर में न्यू सांगाने रोड स्थित श्री चिंताहरण काले हनुमान जी मंदिर में नंदोत्सव मनाया गया। गुरुकुल वेदाश्रम में महामंडलेश्वर मनोहर दास जी महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मंदिर को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। हमारे घरा पधारो श्याम संस्था ने भी नंदोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर बाबा श्याम का मन भावन झांकी सजाई गई, गीत संगीत का आयोजन किया गया और उछाल कार्यक्रम कर बधाई के आयोजन हुए, जिसमें महिलाओं ने बधाई गीत गाए, जिनकी धुनों पर उन्होंने जमकर नृत्य किया और कान्हा की भक्ति में डूबकर संगीत के इस माहौल का जमकर आनंद उठाया। जयपुर के आदर्श नगर स्थित श्री कृष्ण परिणामी मंदिर में 3 दिवसीय पुनर्वन महोत्सव का शुभारंभ हुआ। 3 वर्ष में मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य पूरे होने पर ये महोत्सव आयोजित किया गया था। इस अवसर पर पूरा मंदिर भक्तों से पट गया। कृष्ण भक्ति में डूबे श्रद्धालु झूमते नाचते हुए नजर आए, श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए आतुर दिखाई दिए। महंतों की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण को पर्दे में रखा गया। तब तक भक्तों ने भजन गाकर तालियां बजाकर कान्हा को रिझाया। जयपुर के जामडोली में श्री श्याम भजन संध्या परिवार समिति की ओर से बाबा श्याम का वन विहार और लहरिया उत्सव आयोजित हुआ। इस अवसर पर कोलकाता से मंगाए गए विशेष फूलों से सांवले सलोने का भव्य दरबार सजाया गया। लाल रंग का विशाल मुकुट कान्हा की सुंदरता को और भी ज्यादा आकर्षक बना रहा था। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायक शंकर नाटानी और नीतू गुप्ता ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी, जिन्हें सुनकर भक्त अपने आप को रोक नहीं सके और श्याम की भक्ति में डूबकर जमकर नृत्य किया। संगीत में डूबे इस माहौल ने उपस्थित सभी लोगों को आनंदित किया। Oh,
यूपी के आबू रोड स्थित सातपुर में युवाओं की अनूठी कलाकारी देखने को मिली। यहां कपास और लकड़ी के माध्यम से भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमा बनाई गई। खास बात यह है कि आदम कद की इस मूर्ति को मूषक पर विराजित कर दिखाया गया। सफेद रंग की इस गणेश प्रतिमा की खूबसूरती देखते ही बनती है। इस मूर्ति के कारीगर सुरेश कुमार और चेतन सोनी को इस प्रतिमा को बनाने में एक साल से ज्यादा का समय लगा। उनकी बनाई गई ये इको फ्रेंडली मूर्ति अब लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ऐतिहासिक मां नंदा देवी का पौराणिक मेला शुरू हो चुका है। 206 वर्षों से मनाए जा रहे इस मेले का अपना एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और व्यापारिक महत्व है। इस मेले को लेकर मंदिर समिति में तैयारियां पूरी हो गई हैं। ऐसे में मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। यहाँ लोगों ने मिलकर जगह जगह सुंदर रंगोली बनाकर पूरे परिसर की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। नंदा देवी बाजार को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। दूसरी तरफ नंदा देवी के मेले के बाजार भी पूरी रौनक के साथ सजे हुए हैं, जिसमें दूर दराज से आए हुए दुकानदारों ने भी माता के मेले में अपनी दुकानें सजाई हैं। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ धर्म और आध्यात्म से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।